नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे दो बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन तीन कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक आंख मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए हर कोई, हर रोज, हमेशा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे दो बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन तीन कार्यों के द्वारा करें।
पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक आंख मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।